नमस्कार, साहस समाचार टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा धीर। आइए रुक करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की तरफ। पीएम मोदी ने असम में स्टैचू ऑफ वेलोर का किया उद्घाटन। पीएम मोदी कल इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बने टर्मिनल 1 का करेंगे उद्घाटन। महिला सम्मान योजना की घोषणा के बाद सीएम केजरीवाल ने दिल्ली में महिला वोटर्स के साथ की बातचीत। मोदी कैबिनेट की आखिरी बैठक 13 मार्च को, हो सकते हैं बड़े ऐलान। 15 मार्च को दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र, मुख्य सचिव को भी सदन में हाजिर रहने का निर्देश। महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग पर बोले देवेंद्र फडणवीस, 80% मसले हमने हल कर लिए हैं। डीएमके ने बनाया गठबंधन का फॉर्मूला, तमिलनाडु में कमल हसन की एमएनएम को एक राज्यसभा सीट। अरुणाचल के बीजेपी विधायक फोसम खिमहुन का हार्ट अटैक से हुआ निधन। टीडीपी जनसेना बीजेपी के बीच डील पक्की, लोकसभा और विधानसभा सीट पर शेयरिंग पर बनी बात। पश्चिम बंगाल के झाड़ग्राम से बीजेपी सांसद कुनार हेमब्रम ने छोड़ी पार्टी। लालू यादव के करीबी बालू माफिया सुभाष यादव के कई ठिकानों पर ईडी की छापेमारी। भोपाल में मंत्रालय भवन में चौथी मंजिल पर लगी आग, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर मौजूद। धर्मशाला टेस्ट में इंडिया ने तीसरे दिन ही इंग्लैंड को धो डाला पारी और 64 रन से जीत। स्वर्ण पदक विजेता देवेंद्र झाझरिया को भारत की पैरालंपिक समिति का अध्यक्ष बनाया गया। खबरों में फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें साहस समाचार टीवी के साथ। नमस्कार।